आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं मनोज सिंह एक बार फिर उन लड़कों के लिए जो गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ दूर दराज के लड़के हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद उनको कब वाराणसी आरोप पे पैरा वाले सेशन में बुलाया गया है, क्या आप लोगों को ये बात सबको पता चला है कि आप लोगों को जो भर्ती हुए हैं, भर्ती हुए कैंडिडेट को कब बुलाया गया है पैरा सब के लिए? तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा और रनिंग के दौरान जो लड़का पैरा में जाने वाला होगा, और पैरा आपको पता है लॉजिक सी बात है कि पैरा अग्निवीर आर्मी का परमानेंट नौकरी है, जिसके लिए सारे लड़के दमखम दिखाकर अपना पूरा का पूरा दमखम झोंकेंगे, तो हो सकता है उसमें आप भी शामिल हो और आपके दोस्त भी शामिल हो। अच्छा, इन सबके अलावा कब आप दौड़ोगे, किस तरीके से रनिंग करोगे, क्या सिचुएशन रहेगा? हर आदमी पैरा के लिए 4 साल से हटकर परमानेंट नौकरी के लिए फाइट करेगा, तो क्या उसमें आपका नंबर आएगा, और आएगा तो आपको कब दौड़ना है, कितने तारीख को दौड़ना है, ये सारी चीजें आपको मैटर करेगा। तो आप दूर दराज से हैं, हो सकता है कि आपको ना पता चल रहे हो, किसी माध्यम से आपको नहीं बुलाया गया हो। वैसे एआरओ के ऊपर जहां तक कि हम लोगों ने पता किया है कि उन्होंने 20 तारीख को रात में आप लोगों को 12 बजे रात को पहुंचना है, 20 तारीख के 12 बजे रात को आप लोगों को पहुंचना है और 21 तारीख को आप लोगों का रनिंग स्टार्ट किया जाएगा, और वो रनिंग जिसके अंदर पैरा कमांडो, पैरा वाले जो लड़के सिलेक्ट होंगे उनका भी सीट, पैरा का सीट एक लिमिटेड सीट होगा, क्योंकि जो अग्निवीर आर्मी के जो लड़के हैं वो ज्यादा होंगे और पार्टिकुलर जैसे आर्मर्ड में जाना है, आरटी में जाना है, इन्फेंट्री में जाना है, इस तरीके से एक पैरा, ये इस तरीके का यूनिट है, पैरा यूनिट है। अब वो भी इन्हीं यूनिटों की तरह उसकी भी एक क्वांटिटी चाहिए। मान के चलिए कि पैरा में 70 लड़के जाने हैं, इन्फेंट्री में 70 लड़के जाने हैं, आर्मर्ड में 50 लड़के जाने हैं, तो पैरा का एक न एक ग्राफ हुआ ना कि पैरा में भी 70 या 60 लड़के जाने हैं, और पैरा के लिए अभी जो एआरओ के लड़के आएंगे वो कम से कम नहीं 300-400 के ऊपर ही लड़के आएंगे, क्योंकि सबको होड़ लगी हुई है कि मैं परमानेंट वाले में हो जाऊं, मेरा रनिंग निकल जाए। अच्छा, जो लड़के यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो रनिंग अच्छा है तभी सिलेक्ट हुए हैं, पढ़ाई उनका अच्छा है तभी सिलेक्ट हुए हैं। तो अब चैलेंज है, फाइटरों का चैलेंज है, फाइटर में से फाइटर निकालना। आप समझ सकते हैं कि फाइटर में से फाइटर निकालना मिस फर्स्ट ग्रुप के जितने भी लड़के हैं उनको तो बुलाया ही जाएगा, वो तो जा ही रहे हैं। अब फर्स्ट ग्रुप के लड़कों को ही फर्स्ट ग्रुप वाले लड़के काटेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्सलेंट आया हुआ लड़का भी हो सकता है इन फाइट में पीछे हो सकता है और वेल सेटल वाला आगे जा सकता है। तो अब आप लोगों के बीच एक बार फिर करो या मरो की स्थिति आ चुकी है, जो 21 तारीख को आप लोगों को आजमाया जाएगा, आपके पूरे कैरियर को बिल्कुल सेफ जोन में पहुंचाने के लिए एक बार फिर आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यही वाराणसी एआरओ से ही आप निकल जाएंगे परमानेंट में। पिछली बार जो अग्निवीर में लड़के हुए थे वो लड़के पहले तो मुझे मिठाई खिला थे, अग्निवीर में आकर भर्ती हुए थे तो मिठाई खिलाए थे, उसके बाद उन्होंने मिठाई खिलाया था जब पैरा में सेट हो गए थे तब उन्होंने मिठाई खिलाया। तो क्या ये मेरे शेर आप लोग जो तैयारी कर रहे थे, क्या अगेन ये मिठाई खाने का आपके घर में मौका मिलेगा? क्योंकि अग्निवीर का जो मिठाई है वो आप लोगों ने खा लिया है, अब आपको परमानेंट वाला मिठाई खाना है। तो वो चीजें अब 21 तारीख को आप लोग कैसे हैंडल करोगे, किस हिसाब से हैंडल करोगे, अब आप देख लीजिएगा। वीडियो बनारस एआरओ से 10-15 किलोमीटर दूर है, इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट हो जाता है, इजिली होता है। वीडियो से एआरओ की सारी चीजों को, एक्टिविटी को हैंडल करना इजी होता है। बच्चे भी यहाँ आते हैं अपना, यहीं से दौड़ने जाएंगे। वीडियो लड़के तो तकरीबन वीडियो में जो भी लड़का है बनारस एआरओ से बिलोंग रखता है तो तकरीबन यहीं पे आकर रहता है, यहीं से जाएगा, खाना वाना खाकर वहीं पे अपना दौड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा उन लड़कों के लिए कितने तारीख को होगा, 21 तारीख को। मैसेज आपके पास चला गया होगा, अगर मैसेज नहीं गया होगा तो मैं 2 दिन पहले वीडियो डाल रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।